आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर न्यूज इंडिया के चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता कर रहे हैं सीधी बातचीत कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से। 24/7 पर आज मेरे साथ इस खास बातचीत में हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका इस विशेष इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पांडे जी, राजस्थानी संस्कृति है कि सबसे पहले मीठा परोसते हैं, तो मैं आपको मीठा परोसूंगा। कैसी राजनीतिक फिजा लग रही है राजस्थान की? बहुत ही शानदार। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की एक बहुत ही पॉजिटिव लहर है। लोग, कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ इस चुनावी महोत्सव में भाग ले रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में उम्मीदवार की विजय के लिए कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले मिठाई खिलाने के बाद अब आपको थोड़ा जो चरपरापन है वो कम लगेगा। ये जो बागी खड़े हुए हैं, नाथूराम सिनोदिया हैं, महादेव सिंह खंडेला हैं, इन लोगों का कैसे डैमेज कंट्रोल हो रहा है? देखिए, ये पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं, पार्टी के लिए योगदान दिया हुआ है, लोक सेवा में इनका कार्य रहा हुआ है। चयन समिति कुछ मापदंडों पर जब कभी महसूस करती है तो कुछ जगह पर नए चेहरों को लाने का एक प्रयास किया जाता है, और उसके तहत कोई भी चीज इनके ये किस प्रकार से कम थे ऐसा मानना गलत होगा। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता अगर पार्टी से रूठता है तो पार्टी को दुख और नुकसान तो होता है। दुख और नुकसान इन दोनों आपके पार्टी के कुछ नेता भी आपको दे रहे हैं, प्रदेश में आते हैं, कुछ इस तरह के बयान देते हैं जिनका सामना करना फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के लिए और खासकर फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। देखिए, ये चुनावी रणनीति है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। जहां जहां पर बाकी जो बात अगर आप देखें तो कांग्रेस की तुलना में हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का विद्रोह है उसके तुलना में तो कांग्रेस में जो भी लोग आज हमारे ऑफिशियल उम्मीदवार के विरोध में खड़े हुए हैं उसमें जितने भी सशक्त या बाकी जितने भी लोग थे अधिकांश लोगों ने पार्टी के समर्थन में अपना विड्रॉल ले लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब कुछ डैमेज कंट्रोल एज सच पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं दिखता है। पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले कार्यकर्ता और जनता जो आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, इन दोनों का अगर गौर करें तो निश्चित रूप से यहां पर जैसा मैंने कहा कि हमको भी दुख है कहीं कुछ जगह पर कि उन लोग वो पार्टी के इच्छा के या पार्टी के निर्णय के विरोध में गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पार्टी की विजय इन क्षेत्रों में भी हम सुनिश्चित करेंगे। अविनाश जी, पिछले 2-3 दिन में खासकर विड्रॉल के समय देखने को आया कि कांग्रेस का जो कंट्रोल रूम है वो लगभग निष्क्रिय सा था, क्या ऐसे चुनाव जीत पाएंगे आप? मैं इस चीज को थोड़ा सा नकारूंगा। पार्टी में फुल टाइम 24 घंटे की गतिविधियां कंट्रोल रूम में चल रही हैं। वहां पर निष्क्रियता किस आधार पर आप बोलेंगे? जब डैमेज कंट्रोल सब राष्ट्रीय नेता, मैं स्वयं सुबह से रात तक मैं समझता हूं कि 16 से 18 घंटे उसी पार्टी हेडक्वार्टर में मैं खुद कार्यकर्ताओं के साथ में, कंट्रोल रूम के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में, जितने भी हमारे जिम्मेदार समितियां के अध्यक्ष हैं उनके साथ में विचार विमर्श और कार्य चल रहा है। तो निष्क्रियता ये बोलना ठीक नहीं होगा, पूर्ण रूप से पार्टी का कंट्रोल रूम फंक्शन कर रहा है और जितने भी हमारी 9 समितियां हैं उन 9 समितियां बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं। अविनाश जी, आज सुबह से न्यूज इंडिया 24/7 एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल जब दौरे पर थी तो वो जब गुजर रही थी तो बैरिकेड के पीछे से एक ग्रामीण महिला ने उनसे कहा कि मेरे पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे हैं, आपको वोट कैसे दूं? हमारे चैनल ने इसे टर्म किया है कि मुख्यमंत्री का सच से सामना है, लेकिन साथ ही क्या ये आप लोगों के लिए भी वार्निंग नहीं है कि अगर आप पावर में आए तो इस सच का सामना आपको भी करना है? निश्चित रूप से। देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर में पढ़े लिखे प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या और साथ ही साथ पिछले दिनों जिस प्रकार की सरकार की नीतियों के कारण, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो चाहे जीएसटी से संबंधित कोई उनकी नीतियां हो, इन दोनों चीजों ने जो बिना सोच समझ कर और एक तुगलकी फरमान के माध्यम से जो इस फरमान को लागू किया गया है इसमें बेरोजगारी जिस कदर बड़ी है, और पहले जो बेरोजगारी थी उन लोगों को कोई जोड़कर कोई एडिशनल रोजगार तो कहीं पर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई नहीं गई,
ऐसे कोई भी मौके नहीं किए गए कि कोई नया प्रकल्प आ रहा हो या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि बहुत अच्छे से लोग अपना स्वयं रोजगार कर सके। और ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को इस चीज का एहसास है। और पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत ही गंभीरता के साथ में बेरोजगारी से निपटने के लिए और बेरोजगार युवकों को उचित उनके शिक्षा और उनकी योग्यता अनुसार अगर होता है तो बेरोजगारी उनको हम उसको क्या बोलेंगे कि बेरोजगारी 3,000 रुपये तक के, 3,500 रुपये तक आर्थिक मदद करने का भी हमने इसमें योजना बनाया। आप उसको भत्ता, मैं शब्द ठीक नहीं समझता, लेकिन मदद उस प्रकार से करने की भी हम हमारे मैनिफेस्टो में विचार करें। कल पूरे दिन भर बीते कल अशोक गहलोत पूरा वागड़ मेवाड़ नापते हुए शाम को जयपुर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट हैं, उन्होंने भी टॉक के अलावा बाहर निकलकर भी काम किया। क्या रणनीतिक तौर पर आप लोग भी ये मानते हैं कि जिसने वागड़ मेवाड़ जीता उसने राजस्थान जीत लिया और इसीलिए आपने अशोक गहलोत को वहां सिरमौर बना रखा है? देखिए, पार्टी के लिए इस वक्त जितनी भी हमारी 200 सीटें हैं जिसमें से 195 हमारे सहयोगी 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, मेरे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए हर एक सीट महत्वपूर्ण है। हमारे पास में योग्य और भी बाकी नेता भी और घूम रहे हैं, लेकिन जहां तक अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी का सवाल है, निश्चित रूप से पार्टी के पास में आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि एक समझा और सुलझा हुआ जोश और होश, इसका एक बहुत अच्छा संगम आज पार्टी में है, जहां पर युवा और हमारे जितने भी अनुभवी पुराने नेता हैं, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन दौरों से और नेताओं के संपर्क से अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं और ये हमारी बहुत बड़ी विजय का एक बहुत बड़ा हमारी ताकत है। अविनाश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में होंगे और कांग्रेस पलटवार करने में 24 घंटे की देरी नहीं कर रही। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल राजस्थान में होंगे, उनके दौरे का जो आइटनरी है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें दरगाह भी है, उसमें पुष्कर का दर्शन भी है और उसमें पोकरण भी है। तो ये जो रणनीतिक आपने एक दौरा तैयार किया, क्या लगता है कि अब भाजपा की जबान में भाजपा को जवाब देना कांग्रेस को आ गया है? देखिए, आज राहुल जी जितने भी हमारे चुनावी राज्य हैं सभी जगह में उनका सघन दौरा चल रहा है। पुष्कर ब्रह्मदेव का मंदिर और सरोवर की पूजा के साथ साथ वो दरगाह में भी माथा टेक रहे हैं और उसके बाद में पोखरण, जोधपुर, जालोर, इन क्षेत्रों का भी दौरा साथों साथ कर रहे हैं। प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो राजस्थान की संस्कृति और यहाँ से एक सद्भावना का संदेश पूरे देश को और पूरे राज्य को वो देना चाहते हैं और उसी के साथ प्रदेश की जनता से कांग्रेस की विजय के लिए अपील करना चाहते हैं। अविनाश जी, मेरा आखिरी सवाल, ना तो आप ज्योतिषी हैं ना मैं ज्योतिषी हूं, लेकिन फिर भी वर्तमान परिदृश्य में क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें जीतने वाली है? निश्चित रूप से प्रवीण जी, मैं कह सकता हूं कि आज 2018 में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का जोश और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश, ये मिलकर जो काम कर रहा है कांग्रेस राजस्थान में, कभी किसी को इतनी ऐतिहासिक जीत नहीं मिली होगी। उस ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस यहां पर अपनी सरकार बनाएगी। चलते चलते एक बात और, चूंकि अविनाश पांडे नागपुर से आते हैं तो ये संघी संस्कृति को कुछ ज्यादा समझते हैं, क्या लगता है कि आरएसएस जो है वो अपना नागपुरी खेल चला पाएगा राजे के साथ मिलकर? देखिए, राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही भाव विभोर करने वाली और बहुत ही आकर्षक है, जिसका उदाहरण पूरे देश के लोगों को लेना चाहिए। यहाँ के लोगों में जिस प्रकार का एक सामंजस्य करने की क्षमता, लोगों में एक सहिष्णुता पूर्वक एक दूसरे को जानने की क्षमता, यहाँ पर विरोधी भी आपस में एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, यह संस्कृति, यह गंगा जमुना जमनी संस्कृति और 36 कौमों को साथ चलने वाला, मैं समझता हूँ कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो आज भी हमारी संस्कृति को गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि को जीवित रखा हुआ है। राजनीति के उतार चढ़ाव और राजनीति में जिस प्रकार से एक गिरावट आ रही है उसके लिए मैं समझता हूँ कि राजस्थान एक टॉर्च बेरर होगा जो पूरे प्रदेश को राजनीति के मूल्यों का एक नया दृष्टिकोण देगा। अविनाश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रवीण जी। तो ये थे अविनाश पांडे, राजस्थान कांग्रेस के लिए प्रभारी, जो कि इस वक्त कंट्रोल रूम संभाल रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही होश और जोश दोनों के मिश्रण का
बड़ा ही सटीक और रणनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश पारीक के साथ प्रवीण दत्ता, न्यूज इंडिया 24/7।